नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 3 अगस्त 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव और निदेशक की सरकारी गाड़ियां जब्त करने के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने आदेशों के अनुपालन न करने पर पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव और निदेशक की सरकारी गाड़ियों को जब्त करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश जोसन रिवाल्दुआ ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि उक्त अधिकारी कोर्ट के आगामी आदेशों तक सरकारी वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मामले के अनुसार प्रदेश हाईकोर्ट ने 25 सितम्बर 2023 को पारित आदेशों के तहत 10 वर्षों तक बतौर अंशकालिक कार्यकाल पूरा करने वाले याचिकाकर्ता पंचायत चौकीदार को नियमित तिथि से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में परिवर्तित करने के आदेश जारी किए थे। कोर्ट ने इस बाबत राज्य सरकार को 8 सप्ताह का समय दिया था। कोर्ट ने इन राज्य सरकार की नियमितकरण नीति के अनुसार नियमित तारीख से नियमित करने के आदेश भी दिए थे। फैसला लागू न करने पर प्रार्थियों को अनुपालना याचिका दायर करनी पड़ी। बैच वाइज टीएसटी की ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी, शिक्षा विभाग ने सभी डिप्टी डायरेक्टर को दिए निर्देश। प्रदेश के स्कूलों में हाल ही में बैच वाइज भर्ती के आधार पर नियुक्त हुए टीजीटी की ट्रेनिंग होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने ट्रेनिंग का शेड्यूल वेबसाइट पर डाल दिया है। स्कूलों में पढ़ाने से पहले इन सभी शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 21 अगस्त से ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होगा जो कि 4 सितम्बर तक चलेगा। प्रदेश के सभी डाइट केंद्रों में इन शिक्षकों की ट्रेनिंग होगी जिसमें भाग लेना सभी के लिए जरूरी है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बारे में सभी जिलों के डिप्टी डायरेक्टर को निर्देश जारी किए गए हैं। मंडी में 13 साल की मासूम से हैवानियत के आधे पार पीड़िता गर्भवती आरोपी गिरफ्तार। मंडी जिले में एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म पीड़िता गर्भवती चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन मंडी की शिकायत पर सुंदरनगर थाना में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर कुछ बदलाव करने जा रहे हैं। ये बदलाव साथ ही कैबिनेट मंत्रियों से लेकर आम जनता के लिए भी होंगे। मुख्यमंत्री हर सोमवार को प्रशासनिक सचिवों के साथ मंडे मीटिंग करती है, लेकिन अब मंडे मीटिंग की जगह मंत्री मीटिंग होगी। मुख्यमंत्री अब हर सप्ताह सोमवार और मंगलवार को अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में प्रशासनिक सचिवों को भी बुलाया जा सकता है। इसी बैठक में संबंधित मंत्रियों के विभागों की समीक्षा हो जाएगी और यदि कोई मामला कैबिनेट में लाना तो उसकी चर्चा भी वहीं हुआ करेगी। इसके साथ ही एक बदलाव आम जनता के लिए भी होने वाला है। मुख्यमंत्री पहले हर शुक्रवार को लोगों के लिए उपलब्ध रहते थे, अब बुधवार और शुक्रवार 2 दिन आम जनता के लिए तय किए जा रहे हैं। इसके लिए अलग से आदेश भी हो रहे हैं। इन 2 दिनों में कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से मिल सकता है। गुरुवार को मुख्यमंत्री मीडिया के लिए उपलब्ध रहेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 8 अगस्त को मंत्रिमंडल बैठक बुला सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। मंत्रियों को भी अभी टेलीफोन के माध्यम से 8 अगस्त की डेट दी गई है, हालांकि अभी नोटिस सर्कुलेट नहीं हुआ है। 15 अगस्त के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री इस बार कोई घोषणा करेंगे या नहीं, इस पर भी सबकी नजर है। सरकार की ओर से इस अवसर पर शुरू की जाने वाली नई योजना की चर्चा कैबिनेट में संभव है। बरसात के हादसों को देखते हुए ये बैठक महत्वपूर्ण होगी है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में 19 अगस्त से 10 सितंबर तक छुट्टियों पर रोक। 14वीं विधानसभा के छठे सत्र मानसून सत्र के चलते शिक्षा विभाग में 19 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। 27 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र के चलते उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को प्रस्तावित छुट्टियों और टूर पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। विभागीय आदेशों के तहत अधिकारियों और उनके तहत काम करने वाले कर्मचारियों को मानसून सत्र के चलते रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी बुलाया जा सकता है। सुबह 8 से रात 8 बजे तक अफसरों को दफ्तर में मौजूद रहना होगा। विभाग ने विधानसभा में शिक्षा विभाग से संबंधित लगे सभी प्रश्नों के जवाब जल्द देने को कहा है। शिक्षा निदेशालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विभाग से संबंधित सभी प्रश्न के जवाब तैयार होने चाहिए। अधिकारियों के पास हर तरह की जानकारी होनी चाहिए।
हिमाचल प्रदेश में 6 और 7 अगस्त को अवकाश पर जाएंगे पटवारी, महासंघ ने लिया फैसला। स्टेट कैडर के विरोध पर उतरे संयुक्त पटवारी और कानून को महासंघ के आह्वान पर सूबे के पटवारी कानून को 6 और 7 अगस्त को सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। ये फैसला महासंघ ने प्रदेश सरकार से हुई बैठक के विफल होने के बाद लिया है। साथ ही महासंघ ने आश्वासन दिया कि इस दौरान अगर कोई आपदा आदि पेश आती है तो पटवारी सामूहिक अवकाश के दौरान अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे और जनहित में सेवाएं देंगे। पिछले कुछ समय से प्रदेश के पटवारी और कानून को स्टेट कैडर का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जहां उन्हें सौंपे गए अतिरिक्त कार्यों के कार्यालयों की चाबियां संबंधित अधिकारियों को सौंपी है, वहीं अपने निजी मोबाइलों से ऑनलाइन कार्य करना भी बंद कर दिया है। इसके चलते अपने दस्तावेज बनाने आने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजवन में 2 बच्चों के शव मिले। मलाना टनल में 6 की रेस्क्यू, 46 लोग अभी भी लापता। हिमाचल प्रदेश में 6 जगह बादल फटने की घटना के एक दिन बाद शुक्रवार को मंडी के राजवन में 2 बच्चों के शव बरामद किए गए हैं। वहीं मलाना टनल में फंसे 2 इंजीनियरों समेत 6 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। रामपुर के समेज में 36 लोगों समेत 44 लोग अभी भी लापता है। समेज बागीपुल राजवन में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड जवानों ने दिन भर सर्च ऑपरेशन चलाया। राजवन में अभी 5 लोग लापता है। लापता लोगों के परिजनों और रिश्तेदार खुद भी अपनों को मलबे में ढूंढ रहे हैं। सेब सीजन तूफान से जड़े सेब को खरीदेगा एचपीएमसी। सोमवार से 40 केंद्रों पर मिलेगी सुविधा। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सेब बागवानों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत देते हुए एपीएमसी के केंद्रों पर तुरंत सेब खरीद शुरू करने का निर्णय लिया है। राजस्व एवं बागवानी मंत्री जग सिंह नेगी ने एचपीएमसी को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जहां पेड़ों से सेब झड़ गए उनकी खरीद करने के निर्देश दिए हैं। आमतौर पर एचपीएमसी अगस्त माह के मध्य और आखिर में अपने सभी केंद्रों पर सेब की खरीद शुरू करता है, लेकिन इस बार सेब खरीद अगस्त की शुरुआत में ही शुरू हो जाएगी। हालांकि इसके लिए बागवानों को एचपीएमसी के केंद्र प्रभारियों से लिखित में आवेदन करना होगा। गाड़ी का पूरा लोड बनने पर सेब खरीद शुरू कर दी जाएगी। समेज में सीएम सुकुवोले प्रभावितों को जल्द देंगे आपदा राहत पैकेज, 3 महीने का किराया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू शुक्रवार दोपहर को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर व विधायक रामपुर नंदलाल के साथ समेज पहुंचे। इस दौरान सीएम ने बादल फटने से हुए नुकसान का जायजा लिया, साथ ही मौके पर जारी राहत एवं बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावितों को आज से 3 महीने तक मकान के किराए के तौर पर सरकार 5,000 रुपए बरसात खत्म होने तक देगी, साथ ही गैस सिलेंडर भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा 50,000 रुपए प्रभावितों को घर का सामान खरीदने के लिए जारी किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि हालांकि इस मदद से प्रभावितों के परिवार तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन ये उनके जख्म पर मरहम लगाने का प्रयास है। जल्द ही इन परिवारों को बसाने के लिए सरकार राहत पैकेज देगी। वेदर अपडेट, सावधान रहे लोग, आज भी कई क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट, 115 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को भारी बारिश से राहत मिली। अधिकांश जिलों में मौसम साफ रहा। हमीरपुर में 11, नाहन में 8, जोबराटी में 6, सोलन में 3 और धर्मशाला मंडी में 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। शनिवार के लिए भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश में शुक्रवार शाम तक 115 सड़कें, 225 बिजली ट्रांसफार्मर और 111 पेयजल योजनाएं प्रभावित रही। एचआरसी के 82 रूट प्रभावित हुए हैं। जिला मंडी में 44, कुल्लू 38, शिमला 15, कांगड़ा सिरमौर 6, किन्नौर 3 और लाहौल स्पीति में 1 सड़क ठप रहे। इसके अलावा कुल्लू में 138, शिमला 40, मंडी 23, हमीरपुर 15, सिरमौर 5, चंबा में 4 बिजली ट्रांसफार्मर ठप रहे। कुल्लू में 82, शिमला 10, चंबा 9, लाहौल स्पीति में 6 और सिरमौर बिलासपुर में 2-2 पेयजल योजनाएं बंद रहे। केंद्र सरकार हाटी मामले में हाईकोर्ट में रखेगी अपना पक्ष, डॉक्टर अमित चंद। केंद्रीय हाटी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अमित चंद कमल ने पोंटा साहिब में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार से आश्वासन मिला कि हाटी समुदाय का पक्ष हाईकोर्ट में मजबूती से रखा जाएगा और जल्द ही स्टे को खत्म करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में गृह मंत्री अमित शाह, कानून व जनजातीय मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से केंद्रीय हाटी समिति का प्रतिनिधि मंडल मिला व स्थिति से अवगत करवाया है।
केंद्रीय आरटी समिति के महासचिव कुंदर सिंह शास्त्री ने कहा है कि 20 अगस्त को हाईकोर्ट में आरटी मुद्दे पर सुनवाई और हमें उम्मीद है कि 20 अगस्त तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपना जवाब दायर करेगी। ईडी को तलाशी में 88 लाख की नकदी, फर्जी आयुष्मान कार्ड व 140 बैंक खातों का रिकॉर्ड मिला। फर्जी आयुष्मान कार्ड मामले की जांच में जुटी ईडी को दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल के कांगड़ा, ऊना, शिमला, मंडी और कुल्लू जिलों के 20 स्थानों पर दी गई दबिश के दौरान 88 लाख की नकदी, 4 बैंक लॉकर और 140 बैंक खातों का रिकॉर्ड मिला है। इसके अलावा ईडी ने कई अचल और चल संपत्तियों, खातों और अन्य दस्तावेजों के अलावा मोबाइल फोन, आईपैड, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव के रूप में 16 डिजिटल उपकरण भी जब्त किए हैं। इनमें आयुष्मान कार्ड, हिमकेयर और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं से संबंधित दावों और दस्तावेजों से जुड़ा रिकॉर्ड भी है। ईडी ने दाविश दिए जाने के 2 दिन बाद ये खुलासा किया है। सर्वर की समस्या के कारण छोटे लोग इस महीने ले सकेंगे राशन। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के जिला नियंत्रक हमीरपुर अरविंद शर्मा ने बताया कि पिछले महीने के आखिरी सप्ताह के दौरान सर्वर में तकनीकी खराबी के कारण उचित मूल्य की दुकानों में राशन से वंचित लोग अब जुलाई महीने के कोटे का राशन इस महीने ले सकेंगे। जिला नियंत्रक ने बताया कि जुलाई महीने के अंतिम 4 दिनों के दौरान सर्वर में तकनीकी खराबी आ गई थी। इस कारण जिला हमीरपुर के कई उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन नहीं मिल पाया था। हिमाचल में बारिश के बाद सब्जियों की कीमतों में उछाल, आम आदमी की रसोई का बिगड़ा बजट। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में भारी बारिश और बाढ़ की घटनाओं के चलते फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे सब्जियों की आपूर्ति में कमी आई है। बाढ़ के कारण सड़क और परिवहन व्यवस्था बाधित हो गई है, जिससे सब्जियों के बाजार में पहुंचने में देरी हो रही है। इसके चलते सब्जियों के भाव में बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ गया है। इसके चलते आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परागपुर ब्लॉक की 17 ग्राम पंचायतों को देरा ब्लॉक में शामिल करने की अधिसूचना जारी। प्रदेश के सबसे बड़े विकास खंड परागपुर की 17 ग्राम पंचायतों को देरा विकास खंड में शामिल करने की अधिसूचना जारी हो गई है। बता दें कि परागपुर प्रदेश का सबसे बड़ा विकास खंड कार्यालय है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में 79 ग्राम पंचायतें आती है और ये लगभग 103 किलोमीटर के दायरे में फैला है।